हाय एवरीवन, मैं रॉबिन आप सभी को एक बार फिर से इस पार्ट में वेलकम करता हूं, जहां पर हम किरण पब्लिकेशन की इंग्लिश बुक के PYQs को सॉल्व कर रहे थे। एरर डिटेक्शन का हमारा ये पार्ट होगा, जिसमें अभी तक हमने टोटल 4 पार्ट डिस्कस कर लिए थे। दिस विल बी दी 5th पार्ट। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। देखिए, 51st क्वेश्चन आपके सामने है। आपको, जैसे कि मैंने आपसे पिछले पार्ट्स में बताया था, कि सबसे पहले आपका जो काम होता है वो होता है आपको दिए गए सेंटेंस का आइडिया समझने का, कि उस सेंटेंस में आपको पूछा क्या गया है, वो आपसे सेंटेंस कहना क्या चाहता है। अगर आप ये समझ लेंगे ना, तो आपको वहाँ पर छोटी मोटी चीज़ें जो कि एरर के रूप में दे दी गई होती हैं, आपको पता चल जाएंगी कि आपको कहाँ पर एरर है। सेंटेंस को पढ़ना स्टार्ट करना है, उसका आइडिया समझना है, वही आप यहाँ पर भी काम करेंगे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वी हैड अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी टू फाइंड द हाउस। वी हैड अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी, टू के बाद आपने क्या यूज़ किया, फाइंड, यानी कि टू इन्फिनिटिव वाली जो आपने ये चीज़ यूज़ करी है, क्या ये आपको यहाँ पर सही दिखती है अगर आपने ग्रामर के रूल्स पढ़े हैं तो। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि भाई हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हुई, टू फाइंड होगा, या फिर हमें यहाँ पर प्रिपोजिशन के साथ जीरंड वाला फॉर्म यूज़ करने पड़ेगा, जहाँ पर मैं आपसे कह पाऊँगा कि भाई इन, या फिर उसके बाद आप फाइंडिंग लगा दीजिए, इनके साथ आप फाइंडिंग लगा दीजिए कि भाई हमें घर को ढूंढने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हुई। तो टू के स्थान पर हमें इन फाइंडिंग यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब नाउन के साथ प्रिपोजिशन का यूज़ करते हैं, तो हम टू इन्फिनिटिव वाली चीज़ नहीं लेते हैं, हम इसकी जगह पर अपना ing वाला फॉर्म लेते हैं, जिसे हम जीरंड कहते हैं। जैसे कि मैं फॉर एन एग्जाम्पल आपसे एक और सेंटेंस लेने की बात करता हूँ कि भाई वी मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ बींग अ नॉर्मल ह्यूमन बींग, या फिर मैं आपसे ये कहूँगा कि भाई वी मस्ट टेक टू एडवांटेज, या फिर वी मस्ट टेक एडवांटेज टू बी अ नॉर्मल ह्यूमन बींग। नो, यहाँ पर आपने एडवांटेज जैसे देखा, जो कि आपका प्रिपोजिशन, जो आपका क्या है, नाउन है, उसके बाद आपने यहाँ पर देखा कि आपने ऑफ यूज़ किया है, जो कि आपका क्या है, प्रिपोजिशन। तो इसके बाद आपको यहाँ पर जो यूज़ करना होगा वो जीरंड यूज़ करना होगा, जैसे कि यहाँ पर आपने क्या यूज़ किया, टू। अब इस टू इन्फिनिटिव वाली चीज़ में आपको ये देखना था कि यार आपका ये जो डिफ़िकल्टी है, ये आपका नाउन हो जाएगा, इसके बाद आपका प्रिपोजिशन यूज़ हो रहा है, लेकिन ये प्रिपोजिशन के बाद जो मेरा जो आपका वैल्यू आएगा, वो आपका आएगा जीरेंड वैल्यू, यानी कि इन फाइंडिंग। आपको यहाँ पर आपको प्रिपोजिशन जो लेना होगा वो इन लेना होगा, और फाइंड की जगह पर आपका आ जाएगा फाइंडिंग, जो कि आपका इस सेंटेंस में इम्प्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट है आपका, पेशेंस एज वेल एज परसेवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। तो देखिए, पेशेंस उसके साथ साथ परसेवरेंस क्या होती है, नेसेसरी होती है सक्सेस पाने के लिए। मैंने यहाँ पर वर्ब यूज़ किया है आर। तो देखिए, आपको ये चीज़ पता है कि जब भी हम सब्जेक्ट को वर्ब से, या तो हम एज वेल एज या फिर अलोंग विद, या फिर हम, ये आपका एज वेल एज हो गया, अलोंग विद हो गया, जब भी हम इनसे जोड़ते हैं ना, तो हमारा जो पहला आपका सब्जेक्ट दिया होता है, पहला जो आपका सब्जेक्ट दिया होता है, वर्ब आपका उसके हिसाब से लगता है। जैसे यहाँ पर आपका पहला सब्जेक्ट क्या है, पेशेंस। अब पेशेंस क्या है, अपने आप में एक सिंगुलर चीज़ बताता है अपने आप को, तो यहाँ पर आपका इज नेसेसरी आएगा, कि पेशेंस एज वेल एज परसेवरेंस इज नेसेसरी फॉर सक्सेस। तो यही आपको यहाँ पर आइडिया यूज़ करना था, जो कि आपको पार्ट नंबर 2 में एरर बता देगा। नेक्स्ट है आपका, द पासर बाई टोल्ड अस वेयर वॉज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट। तो देखिए, सेंटेंस के आइडिया को समझना है कि भाई पासर बाई जो थे, उन्होंने हमें बताया कि मैरिज हॉल कहाँ पर है, और इवन वो हमें वहाँ पर लेकर भी गए। लेकिन हमेशा याद रखेंगे, जब आपको चीज़ें इस तरीके से बता दी जाती हैं कि भाई जैसे पासर बाई ने हमें बताया वेयर वॉज द मैरिज हॉल, तो यहाँ पर जो हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं ना, वो हम यूज़ कर रहे हैं किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। और इनडायरेक्ट स्पीच में आप क्वेश्चन वाचक वाक्य नहीं बना सकते हो, आपको इसको एफर्मेटिव बनाना होगा। यानी कि आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर आपको बोलना होगा कि वेयर वॉज द मैरिज हॉल की जगह पर आपको क्या करना होगा, वेयर द मैरिज हॉल वॉज, वेयर द मैरिज हॉल वॉज, ये आपको सेंटेंस लेना होगा, जो कि आपको सेंटेंस को एफर्मेटिव बताएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पर याद रखेंगे कि हमेशा पासर बाई होता है, कभी कभी यहाँ पर पासर्स बाई या पासर बाईज करके दे दी जाती हैं, जो कि सही नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन में क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, द इंक्रीज इन कंजम्पशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन इनकम। तो क्या आपको दिया गया है, आपको यहाँ पर बोला है कि भाई जो कंजम्पशन के अंदर इंक्रीज होता है, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, इंक्रीज इन इनकम। तो सेंटेंस आपका एकदम करेक्ट है, और यहाँ पर आपका नो एरर हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन. तो देखिए अगेन आपको क्या किया गया, आपको यहाँ पर टुगेदर विद की अगर मैं बात करूँ आपसे, या फिर मैं आपसे एज वेल एज की बात करूँ, अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था, जब आपको यहाँ पर वर्ब और सब्जेक्ट को ऐड किया जाता है, यानी कि जो आप वर्ब यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पर टुगेदर विद और एज वेल एज आपने कनेक्ट किए होते हैं अपने सब्जेक्ट्स को, तो आपको पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से अपनी वर्ब यूज़ करनी होती है. पहला वाला आपका सब्जेक्ट क्या था, माई ब्रदर इन लॉ, जो कि अपने आप में एक सिंगुलर पर्सन है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी वॉज, के इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वॉज प्रेजेंट एट द फंक्शन, और यहाँ पर आपका इसी वजह से थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा. नेक्स्ट है आपका स्कार्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट. तो देखिए अगर आप इस तरीके के सेंटेंस बार बार करते हैं तो आपको पता होगा कि कभी भी स्कार्सली या फिर हार्डली या फिर बेयरली, इन सभी के बाद आप कभी देन का प्रयोग नहीं करते हैं, इनके बाद आप कभी भी देन का प्रयोग नहीं करेंगे, आप यहाँ पर वैन का प्रयोग करेंगे. कि भाई स्कार्सली हैड आई अराइव्ड, यानी कि जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा था ट्रेन निकल चुकी थी, मतलब मैं वहाँ पर तब पहुँचा जब ट्रेन आपकी निकल गई थी. तो स्कार्सली की जगह पर हमेशा आपको वैन यूज़ करना पड़ेगा, ना कि देन. नेक्स्ट है आपका द रीज़न वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज ही वॉज टू यंग. तो देखिए हमेशा आपको सेंटेंस का, अगेन मैं आपसे कहूँगा कि आपको आइडिया समझना है. आपने सेंटेंस में शुरू में बताया कि द रीज़न वाई, ऐसा हुआ क्योंकि, और फिर आपने बीच में बिकॉज ऐड कर दिया, जो कि अपने आप में एक ये चीज़ बताता है कि क्यों आप वहाँ पर भी रीज़न देने की कोशिश कर रहे हैं. तो एक बात में तो आप दो बार रीज़न नहीं दे सकते ना किसी चीज़ के, अगर आपको सेंटेंस को अपने करेक्ट करना है. तो इसी वजह से आपको अपने इस बिकॉज वाली जगह पर आपको यूज़ करना पड़ेगा दैट. द रीज़न वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज दैट ही वॉज टू यंग. उसको रिजेक्ट करने का जो रीज़न था वो ये था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यंग था. यहाँ पर बिकॉज की जगह पर आपको ये यूज़ करना पड़ेगा दैट यूज़ करना पड़ेगा. नेक्स्ट है आपका टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल्स मैट टू डिस्कस अबाउट हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश. तो देखिए वेरियस स्कूल्स के जो टीचर थे वो मिले टू डिस्कस अबाउट हाउ. तो देखिए यहाँ पर आपने जैसे ही इस चीज़ को पढ़ा डिस्कस अबाउट हाउ, आप यहाँ पर अबाउट भी बोल रहे हो और उसके बाद आप हाउ भी बोल रहे हो, क्या आपको ये नहीं लगता कि ये दोनों चीज़ें आपको एक जगह पर नहीं यूज़ करनी चाहिए थी? आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप सीधे सीधे अबाउट को निकाल दीजिए. हम ये सीधा सीधा बोल सकते हैं कि टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल मेट टू डिस्कस हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश. अब हम अबाउट को क्यों यूज़ करें, अबाउट हमें अपने आप में क्या बता रहा है? अबाउट और हाउ जो चीज़ होती है वो यही बताती है कि इन व्हाट मैनर हम क्या तरीका यूज़ करें. अब अबाउट भी वही चीज़ बताता है और हाउ भी वही चीज़ बताता है, तो इसी वजह से आप अबाउट को हटा देंगे ना तो आपका हाउ एकदम करेक्ट सेंटेंस का वे निकाल देगा यहाँ से, जो कि आपका ऑप्शन नंबर पार्ट नंबर दो में एरर दे देगा. नेक्स्ट है आपका हिज ट्रेडिशन बाउंड एटीट्यूड हैड टू बी अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ डिससेटिस्फैक्शन अमंग द यंगर मेंबर्स ऑफ द फैमिली. आपको बोला गया कि भाई जो उसका हार्ड ट्रेडिशन जो एटीट्यूड है वो एक कॉन्स्टेंट सोर्स है डिससेटिस्फैक्शन का उनकी फैमिली मेंबर्स के बीचों बीच. अब देखिए आपको यहाँ से सेंस समझना था, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी एरर है. हिज ट्रेडिशन बाउंड एटीट्यूड, जो कि उसका एटीट्यूड है वो क्या है, कॉन्स्टेंट सोर्स है डिससेटिस्फैक्शन का हमेशा से उनके यंगर फैमिली मेंबर्स ऑफ द फैमिली में. तो एकदम नो एरर सेंटेंस हो जाएगा, पार्ट नंबर फोर यहाँ पर आंसर होगा. द टू फर्स्ट टू अराइव वर द लकी रेसिपेंट्स. तो देखिए यहाँ पर तो मुझे कहने में दिक्कत ही नहीं होगी कि आपका पहला पार्ट में ही ये जो इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया है द टू फर्स्ट, कभी भी आप टू फर्स्ट नहीं बोलेंगे. आपको हमेशा याद रखना है, आपको हमेशा ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल यूज़ करना पड़ता है. जैसे कि फर्स्ट और उसके बाद आपका जो 1 2 3 होते हैं वो आपके बाद में आएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपका सबसे पहले आता है. तो यहाँ पर जो करेक्ट यूजेज होगा वो क्या होगा, द फर्स्ट टू टू अराइव. ठीक है, तो यहाँ पर आपका पार्ट वन में क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा. नेक्स्ट है 2 hours हैव पास्ड सिंस ही हैड फॉलन असलीप. देखिए सेंटेंस के आइडिया को समझना है, आपको दिया गया है ही हैड फॉलन असलीप. मैं यहाँ से आपसे कहता हूँ कि 2 घंटे बीत गए हैं, 2 hours हैव पास्ड सिंस आपने फिर यूज़ किया है, लेकिन सिंस के बाद जो आपको वाक्य यूज़ करना पड़ेगा ना वो आपको सिंपल नॉर्मली नॉर्मल वाक्य यूज़ करना पड़ेगा. सिंपल पास्ट में आप यूज़ करिए इसे, जैसे कि हम इसे बोल सकते हैं ही फेल असलीप. इसे आप ही फेल असलीप बोल सकते हैं कि भाई 2 घंटे बीत गए उसे सोते सोते. तो यहाँ पर आपको हैड नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि आपने सिंस यूज़ कर लिया है. स्ट्रक्चर आपको समझना है कि स्ट्रक्चर में आपका पीरियड ऑफ टाइम आएगा जिसमें आपने 2 hours बोल दिया यहाँ पर,
उसके बाद आपको क्या बोलना है, सिंस आपने यूज कर लिया, देन उसके बाद आपको सिंपल पास्ट यूज करना पड़ेगा जो कि आपने यहाँ पर नहीं किया था, इसीलिए आपका पार्ट नंबर फोर में क्या हो जाएगा, थर्ड में क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हैविंग ब्रोकन डाउन द ड्राइवर सेंट द कार टू द गैरेज। देखिए हैविंग ब्रोकन डाउन द ड्राइवर, अब देखिए यहाँ पर जो सेंस निकला है ना वो ऐसे मुझे लग रहा है जैसे पता नहीं ड्राइवर ब्रोकन डाउन हो गया हो, लेकिन मुझे वो वाला सेंस तो लेना नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा, द कार वॉज सेंट बाई द ड्राइवर, द कार वॉज सेंट बाई द ड्राइवर यहाँ पर यूज करना होगा, जो कि आपको पैसिव वाला फॉर्म देगा कि भाई हैविंग ब्रोकन डाउन द कार, द कार वॉज सेंट बाई द ड्राइवर, क्योंकि मुझे वहाँ पर ब्रोकन डाउन किसको दिखाना है, मुझे वहाँ पर ब्रोकन डाउन कार को दिखाना था ना कि आदमी को, तो इसी वजह से मुझे यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा, हैविंग ब्रोकन डाउन द कार वॉज सेंट टू द गैरेज बाई द ड्राइवर, यहाँ पर करेंट यूजेज लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स हु हैज वॉन अक्लेम द वर्ल्ड ओवर। देखिए यहाँ पर आपने यूज किया है ये हैज, और ये जो हैज आपने यूज किया है ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स, यानी कि उन राइटर्स में से एक है, तो यहाँ पर आपको हैज यूज करना पड़ेगा या फिर इसका प्लूरल फॉर्म लेना पड़ेगा, ऑब्वियसली आपको यहाँ पर वन ऑफ के हिसाब से लेना होगा क्योंकि आपने जो सब्जेक्ट यूज किया है वो सभी राइटर्स लिए हैं, उन सभी राइटर्स में से आपने उस ही को निकाला था, इसलिए इस हैज की जगह पर आपको यूज करना पड़ेगा हैव, कि भाई ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स हु हैव वॉन अक्लेम द वर्ल्ड ओवर। नेक्स्ट है आपका द मैसन विल नॉट डू द वर्क एक्सेप्ट गिव द ऑर्डर, कि भाई जो मैसन है वो क्या है, काम नहीं करेगा, एक्सेप्ट गिव द ऑर्डर, बस अपना ऑर्डर देता रहेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है आपका एक्सेप्ट, अब आपको एक चीज़ बताएंगे ये एक्सेप्ट का अर्थ क्या होता है, इसको होता है आपका ओनली, यानी किसी चीज़ को छोड़कर, अब यहाँ पर उसका तो कोई सेंस नहीं निकलता है, लेकिन अगर मैं इसकी जगह पर आपका यूज़ कर लूँ क्या रादर, रादर गिव द ऑर्डर, मतलब जो मैसन था वो क्या था, काम तो वो कर नहीं रहा था बल्कि ऑर्डर दे रहा था, तो यहाँ पर रादर आप यूज़ कर सकते हैं ना कि एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या होता है सिर्फ आपको एक ओनली वाली फीलिंग देता है, ठीक है, तो जो यहाँ पर आपका करेक्ट सेंस देगा नहीं यहाँ पर, या तो आप रादर यूज़ कर लीजिए या फिर आप इंस्टीड यूज़ कर लीजिए, तो यहाँ पर आपका पार्ट नंबर थ्री में क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन स्टूडेंट्स आर इल दे फाइंड दैट दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू कैच अप व्हेन दे रिटर्न, तो रिटर्न मतलब कोई टूर पे थोड़े ना गए थे यार, वो बीमार थे, तो यहाँ पर रिटर्न आपको नहीं यूज़ करना है, कि भाई जब बच्चे आपके क्या हो जाते हैं, स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो वो ये बाद में पाते हैं कि उन्हें बहुत सारा काम अपना क्या करना है, कैचअप करना है, कब करना है, जब वो रिटर्न होंगे, नहीं जब वो क्या हो जाएंगे, रिकवर करेंगे, आपको यहाँ पर रिकवर करना होगा ना कि आपको यहाँ पर रिटर्न करना होगा, और इसी वजह से आपका यहाँ पर किस में हो जाएगा, पार्ट नंबर थ्री में एरर हो जाएगा। मैनी पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन सी, देखिए इन सी अकेला अकेला आपने यहाँ पर यूज़ कर लिया है, लेकिन मुझे सी पर अपना जो वजन डालना था उसमें मुझे इन द सी यूज़ करना पड़ता, ये जो द आर्टिकल है ना यही मेरी बात पर वजन डालेगा कि भाई हाँ मैं किसी सी की बात कर रहा हूँ, द सी, मैं उस सी की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे सी से पहले आर्टिकल दी यूज़ करना पड़ता, जिसकी वजह से पार्ट थ्री में यहाँ पर एरर होगा। द पावर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंसेस, देखिए यहाँ आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं पर मुझे गलती दिख गई कि जो पावर है उसमें मैंने क्या बात करी है, द पावर टू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश का अर्थ क्या होता है आप मुझे बताएंगे, आप बोलेंगे क्या डिस्टिंग्विश का अर्थ अपने आप में ये होता है कि जहाँ पर मैं किसी के भेद निकालता हूँ, किसी चीज़ को अलग करने की बात करता हूँ, उसके बाद मैंने बिटवीन भी यूज़ कर लिया, उसके बाद मैंने डिफरेंसेस की भी बात कर ली, तो यहाँ पर सीधे सीधा आप ये यूज़ कर लेते कि भाई द पावर टू डिस्टिंग्विश इज द बेसिस ऑफ साइंस एंड आर्ट, तो ये बिटवीन डिफरेंसेस आपको यहाँ पर हटाना पड़ेगा, जो कि आपको इस वजह से बता देगा कि पार्ट दो में आपका एरर है। नेक्स्ट है आपका आई हैव सीन हर ओनली वंस बट आई एम लाइकिंग हर अ लॉट, देखिए आई एम लाइकिंग हर नहीं होता है, आप कभी भी किसी को ये नहीं बोलते हैं कि आई एम लाइकिंग अ पीनट्स, आप बोलते हैं आई लाइक पीनट्स, तो यहाँ पर आपको बोला गया था कि आई हैव सीन हर ओनली वंस, मतलब मैंने उसे सिर्फ एक बार देखा है, बट मैं क्या करता हूँ उसे लाइक करता हूँ, आई लाइक हर अलॉट, यहाँ पर लाइकिंग हर अलॉट नहीं आएगा, इसी वजह से आपका पार्ट थ्री में क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आई टोल्ड हिम That we enjoyed very much at the party. मैंने उसे कहा कि भाई हमने बहुत ज़्यादा enjoy किया पार्टी के अंदर। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपको sense समझना होगा। मैंने यहाँ पर use किया है enjoyed, और sense भी समझना है आपको, tense भी समझना है। I told him, मतलब मैंने बात करी है पहले की कभी की, that we enjoyed very much, तो हमने पहले की बात करी है, उसमें मुझे यहाँ पर past में बात को दिखाने के लिए past perfect वाले form को लेना पड़ेगा, कि मैंने उसे बताया था कि हमने बहुत ज़्यादा enjoy किया था, तो we had enjoyed बोलना पड़ेगा ना कि enjoyed, तो इस वजह से मेरा पार्ट नंबर यहाँ पर दो में क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली. तो हार्डली नहीं होता है कभी भी, ये तो आप देख कर ही इसको बोल देंगे गलत है. यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा हार्ड. जॉन इज वर्किंग वेरी हार्ड, इसीलिए आपका पार्ट वन में यहाँ पर एरर होगा. यही छोटी छोटी चीज देखनी है. और डिस्क्रिप्शन में आप ना टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लें, इंस्टाग्राम का लिंक आपको दिया गया है, उन सभी चीज को आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देखकर फॉलो